हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है फैजान और आप देख रहे हो मिस्टर फैजान एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो ये 5 वोल्ट का यूएसबी सोल्डरिंग आयरन है। फ्रेंड्स देख सकते हो ये कितनी अच्छी तरीके से मेल्ट कर रहा है सोल्डर वायर को। फ्रेंड्स क्या बात है भाई, क्या बात है, ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स एक बार और मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स देख सकते हो आप कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में मैंने किस तरीके से बनाया गया पूरी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है। सो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला। फ्रेंड्स ये छोटा सा सोल्डरिंग आयरन इतनी अच्छी तरीके से वर्क करेगा, फ्रेंड्स क्या बताऊँ मैं। देख सकते हैं आप बहुत ही आसानी से, ये देख सकते हैं बहुत ही तेज़ी से फ्रेंड्स ये वर्क कर रहा है। मैं आपको फिर से एक बार दिखाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनेगा। सो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना फ्रेंड, ताकि कोई भी आपको वीडियो में डाउट ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स इस सोल्डिंग आयरन को बनाने के लिए जो जो कंपोनेंट्स व सामान की ज़रूरत पड़ेगी, मैं सबसे पहले आपको सामान दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड देख सकते हो आप, ये 2 ओम का रजिस्टर है, आप 1 से लेकर 10 ओम तक रजिस्टर यूज कर सकते हो। फिर इसकी फ्रेंड्स, इसके बाद मैं यूज कर रहा हूँ एक रोड टाइप में, ये देख सकते हैं ये मैंने पुराने एंटीना में से कट करके निकाला है। और फ्रेंड्स इस पर कुछ स्लीव मैंने 2-3 राउंड चढ़ा दिए हैं, ये आपको वीडियो में पता लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद से मैं लूँगा यहाँ पे एक वेस्टेज पेन, देख सकते हैं आप, ये इसका कोई यूज नहीं है। अब इसके ऊपर से ये इसका जो ये निप है इसे मैं हटा लूँगा और इसे साइड में रख दूँगा। यही सारे कुछ कंपोनेंट लगेंगे और फ्रेंड्स ये सोल्डिंग आयरन हमें 10 रुपये में बन के रेडी हो जाएगा, वो भी घर के वेस्टेज सामानों से। फ्रेंड्स ये मेरे पास एक पुराना डाटा केबल है, इसका हेड मैंने यहाँ पर कट कर दिया है, देख सकते हो आप। तो ये कुछ कंपोनेंट लगेंगे बनाने के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ आपको 1-2 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी कुछ हीट स्लीव की, फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर मैं यूज करूँगा कुछ ये 1 mm के वायर, देख सकते हो आप, इसकी कनेक्शन करने में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं यही कुछ सामान लगेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बनाना सिखाता हूँ किस तरीके से बनेगा ये। फ्रेंड्स सबसे पहले देख सकते हो आप, इसे बनाने के लिए सबसे पहले देख सकते हो ये जो मैंने रजिस्टर लिया था, इस सेम टू सेम रजिस्टर लेना है। और फ्रेंड्स देख सकते हो आप, इसे मैंने इस टाइप में शेप दे दिया है, आप देख सकते हैं किसी प्लायर के हेल्प से मैंने इसे दबा करके और इस टाइप में शेप दे दिया ये वाली आगे का नोज को, ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए फटाफट इन दोनों वायरों को फ्रेंड्स एक इस पर और एक इस पर कनेक्ट करेंगे। तो चलिए फटाफट कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर दोनों साइड से वायर लगा करके इस टाइप में देख सकते हो, और इस पर स्लीव मैंने चढ़ा दिया है। अब फ्रेंड्स ये देख सकते हो आप, छोटा वाला स्लीव, चलिए इस पर भी मैं चढ़ा कर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रजिस्टर था, इसमें दोनों वायर लगा करके इसके ऊपर से स्लीव लगा करके और इस ये जो रॉड था इसके अंदर मैंने अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया और यहाँ पर दोनों वायर निकाल दिया है। सो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो डेटा केबल लिया था मैंने, इसमें हीट श्रिंक डाल दिया है, आपको वीडियो में पता चल जाएगा। सो फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो यहाँ पर मैंने होल बनाया है, इस होल के अंदर इस टाइप में हम इसके अंदर डाल देंगे। और फिर फ्रेंड्स ये जो हमारा ये देख सकते हो ये निकला हुआ है, ये इन किसी भी 2 वायरों में इस तरीके से कनेक्ट करके फ्रेंड्स इसे हीट स्लीव की हेल्प से इस टाइप में इसे भी पैक कर देंगे। चलिए पैक करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये आप देख पा रहे हो अच्छी तरीके से मैंने हीट स्लीव लगा करके, और फ्रेंड्स इस देख सकते हो यहाँ पे हीट स्लीव लगाया है और यहाँ पे हमें इसे अटैच करें। तो चलिए सब अच्छी तरीके से इसे अंदर पैक करके फेविक्विक के द्वारा इसे और भी अच्छी तरीके से चिपका करके मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स देख सकते हो आप, ये बहुत ही अच्छे एक सोल्डरिंग आयरन हमें बन चुका है 5 वोल्ट USB सोल्डरिंग आयरन। सो फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप, इसकी जो ये पावर अडेप्टर के साथ मैंने 5 वोल्ट 2 एम्पियर के साथ अच्छी तरीके से ये वर्क करता था, इसे मैंने कनेक्ट कर देता हूँ और इसे मैं लगा देता हूँ पावर बोर्ड में। सो फ्रेंड्स ये आपकी बिजली जो है कि 95% बचाएगी फ्रेंड्स, 5% भी नहीं अच्छी तरीके से यूज होगा। सो फ्रेंड आपकी बिजली भी आपकी और पैसे भी बहुत ही अच्छी तरीके से बचा देगी फ्रेंड। चलिए इसे पावर अडेप्टर के साथ इसे स्विच बोर्ड में लगा देते हैं। तो मैंने इसे लगा दिया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप 15 सेकेंड लगेंगे फ्रेंड्स इसे फुली हीट होने में। फ्रेंड्स देख सकते हो ये 10 से 15 सेकेंड हुआ फ्रेंड्स, देख सकते हो आप
मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें से धुआं निकलने लगा है फ्रेंड्स, आप डरिएगा मत। ये फ्रेंड्स जो ये मैंने स्लीव लगाया था फ्रेंड्स, पहली बार ही केवल इसमें से ये धुआं निकलेगा, उसके बाद से ये अच्छी कभी भी धुआं नहीं निकलेगा फ्रेंड्स। जो स्लीव मैंने लगाया था वही जल रहा है हल्का फुल्का, ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हो आप बहुत ही अच्छे तरीके से केवल फ्रेंड 10 से 15 सेकंड में पूरी की पूरी हीट हो जाता है। तो चलिए मैं इसको अच्छी तरीके से सोल्डर करके फ्रेंड्स मैं आपको पूरी की फुल डिटेल दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरीके से ये सोल्डर वायर को पिघला दे रहा है फ्रेंड, देख सकते हो आप। मैं आपको अच्छी तरीके से एकदम फ्रेंड्स पूरा क्लियर दिखा रहा हूँ, देख सकते हो आप बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट कर रहा है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो बहुत अच्छी बहुत ही अच्छा सोल्डिंग आयरन फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।